नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। लखनऊ से बड़ी खबर, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने किया घेराव, ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने किया घेराव, मंत्री सतीश द्विवेदी के आवास का किया घेराव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने घोटाला स्वीकारा, अपनी अंतरिम रिपोर्ट में घोटाले को स्वीकारा, 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला स्वीकारा, ओबीसी वर्ग को नहीं मिला 21% आरक्षण, 18,598 से मिली मात्र 2,637 सीटें। 29 अप्रैल को जारी हुई थी अंतरिम रिपोर्ट, सरकार ने आयोग को अब तक नहीं दिया जवाब, 65 दिन बाद भी नहीं दिया है कोई जवाब, आरक्षण न दिए जाने से नाराज हैं अभ्यर्थी। आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग, सभी शिकायतों को समायोजित करने की मांग, हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं के समायोजन की मांग। फूट फूट कर रो रहा ओबीसी अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी रो रहा, शिक्षा मंत्री की आवाज पर चल रहा धरना प्रदर्शन, ओबीसी अभ्यर्थियों ने घेरा सतीश द्विवेदी का आवास, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को मिला आश्वासन, 12 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री से होगी मुलाकात, अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मिलने पहुंचेगा बापू भवन। डेलीगेशन में 6 अभ्यर्थी जाएंगे शिक्षा मंत्री से मिलने, विजय यादव अमेंद्र सिंह पटेल मिलने जाएंगे, आशीष कुमार लोहा सिंह पटेल मिलने जाएंगे, दीप शिखा पाल जाएगी शिक्षा मंत्री से मिलने, 12 बजे बापू भवन में शिक्षा मंत्री से होगी मुलाकात। मंत्री से मिलने 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी 12 बजे बापू भवन में करेंगे मुलाकात, अभ्यर्थियों का डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से मिलेगा।